What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो अभी टाइम हुआ है 10:39 एंड मैं निकल रहा हूँ घर से. अपनी गाड़ी चल चुकी है 30,002 किलोमीटर एंड अभी अपने यार एक छोटी सी गेड़ी मारना है. ग्रुप आ रहा है अपना पुराना वाला, तो उनको मिलने के लिए जा रहा है. कोई बात नहीं, निकलता है. शूज़ मेरे बार बार निकल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, बट चलो इसको ना तो थोड़ा सा पोछा रखो निकल अपना घर. सो गाइज फाइनली निकल चुका है घर से एंड आज बहुत दिनों बाद मैं नाइट राइड करने के लिए निकला हूँ. सो बेसिकली अभी का कुछ ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, बट कुछ फ्रेंड्स मिल रहे हैं तो सोचा कि ब्लॉग तो बना ही लेते हैं बाहर जा रहे हैं. तो बस अभी एक फ्रेंड आ रहा है, उसके साथ जाना है अपने को नियर बाय लोकेशन एंड वहाँ से सब लोग मिलके जाने वाले हैं चाय पीने के लिए. अगर कुछ दूसरी चीज़ रही तो देखेंगे, बाकी सिटी राइड में थोड़ी सी छोटी सी राइड करके आ जाएंगे वापस. बाकी आज का दिन रहा भाई साहब अपना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला एंड ये वाला जो फ्यूल स्टेशन है ना शैल वाला, यहाँ से तो मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता पेट्रोल डलवाने का क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सीन हो रखे थे एक दो बार. उसके बाद मैंने यहाँ पे बंद ही कर दिया है पेट्रोल डलवाना यहाँ से. तो आई नो शेल की क्वालिटी अच्छी होती है, बट ये वाले पेट्रोल पंप में मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक दो बार मारामारी हो चुकी है और पेट्रोल में भी स्कैम करते हैं. मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बताया कि वो वहाँ पे फ्यूल डलवाने के लिए गया था एंड फ्यूल उसने उसकी बाइक के जो कैपेसिटी जो थी दैट इज़ ऑलमोस्ट 7.5 लीटर्स, बट उसमें आ चुका है 9.5 से 10 लीटर पेट्रोल. तो उसने बोला भाई इतना तो कैसे पॉसिबल है, 1 लीटर होता समझ में आता है बट 9.5 10 लीटर इज़ टू मच. सो दैट इज वॉज द थिंग एंड उसके बाद तो भाई उसका झगड़ा हुआ था एंड उसके बाद मेरा भी एक बार एक्सपीरियंस हो चुका था कि शेल की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे कुछ और रेट था और यहाँ पे ये लोग कुछ और रेट दे रहे थे. तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने पूछा भी था बट ये लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं हमारा तो पेट्रोल ये हमारा तो पेट्रोल. मैंने बोला आपकी शेल की वेबसाइट का जो रेट है अब वो दो ना, अब दूसरा रेट हम लोग नहीं मांग रहे बट आप सेम रेट दो. और यस आ चुका है सिग्नल एंड सिग्नल एक बार निपटाते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ. सो यहाँ पे आ रहा है एक फ्रेंड, उसको साथ में हम लोग दोनों मिलकर निकलने वाले हैं यहाँ से क्योंकि वो लोग जहाँ पे मिलने का बोल रहे हैं उन्होंने जगह देखी नहीं है. तो इट्स बेटर कि सब लोग साथ में गए एंड उसका घर भी यहाँ पर नज़दीक में है. तो पेट्रोल डलवाने के लिए रुका हुआ है तो 2-5 मिनट रुक लेते हैं एंड फिर उसका वेट करके निकल जाए. बाकी बाइक कैसी लग रही है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बहुत दिनों से मैंने इसको अच्छे से राइड नहीं किया हुआ सच बोलूँ ना तो. आई एम मिसिंग दोस डेज के जब मैं बेफिक्र होके कहीं पर भी राइड के लिए निकल जाता था. तब अपने बिजनेस करते थे एंड अभी अपने जॉब करते हैं तो ये हालत है. बट यस बट अभी जॉब के भी कुछ अलग बेनिफिट्स है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है. और टाइम के साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो अभी इसको यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, आ जाता है उसके बाद दोनों निकलेंगे साथ में एंड बाकी बाइक कैसी लग रही है प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन. सो गाइज निकल चुके हैं हम लोग एंड भाई चला रहा है हस्कुआना एंड अपन चला रहे हैं ड्यूक. और भाई सच बोलूँ तो थोड़ा सा लेट हो गया बाइक को आने में, इसके लिए मैंने ब्लॉग फिर लेट चालू कर दिया. बाकी मेरे को नहीं लग रहा था कि आज अपना भाई साहब नाइट की राइड अच्छे से हो पाएगी क्योंकि सब लोगों के पास शॉर्ट टाइम है एंड सब लोग ज़्यादा देर तक के लिए नहीं. ओहो ओ भाई ठोकते ठोकते बचे भाई, कैसे चलते हैं यार. एक तो भाई की भी गलती है और वो उस वाले की भी गलती है, दोनों ने एक दूसरे को अड़ा दी थी. बाकी मेरे को सच बोलूँ ना तो मेरे को नाइट राइड मेरे को पसंद है बट मैं ज़्यादा राइट राइड में नहीं चलाता हूँ क्योंकि जो सामने से जो लाइट्स आती है ना उसकी वजह से मेरी आँखें बहुत ज़्यादा खींचती है, आँखें बहुत ज़्यादा पेन भी करती है. सो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ नाइट राइड. बट यस नेसेसरी होता है जब कभी बाहर घूमना होता है तब निकलता हूँ, बाकी उसके अलावा नेसेसरी मैं राइड के लिए निकलता ही नहीं हूँ. और निकलता भी हूँ तो मैं मेरे जो ग्लासेस हैं वो पहन के निकलता हूँ, उससे मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है. बाकी मैं मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करता हूँ मैं नाइट राइड में निकलूँ ही नहीं
बिन फालतू का अगर फ्रेंड जा रहे हो तो ठीक है, बाकी तो देखते हैं। और एज़ यूजुअल अभी हम लोग जा रहे हैं अपोजिट टू कर्णावती क्लब, क्योंकि भाई ने अभी भी मेरे को बताया कि कर्णावती क्लब चलना है, उसके सामने ही सब लोग रुके हुए हैं तो वहाँ पे चलेंगे एंड देखते हैं। और ये आ चुकी है लोकेशन, तो सबसे मिलते हैं एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम सब लोग पहुँचे थे अपोजिट टू कर्णावती, यहाँ पे सब लोग मिल लिए हम लोग जा रहे हैं के लिए। सो भाई सब लोग आ चुके हैं एंड भाई साहब यहाँ सब लोग जा रहे हैं टूवर्ड सिंधु भवन, यहाँ पे बीच में है ट्रैफिक। और भाई ये मेरे को है ना इसी चीज़ की दिक्कत लगती है कि यहाँ पे है ना थोड़ा सा थोड़ी देर भी यहाँ पे पुलिस वाले नहीं होते, और यहाँ पे 5 मिनट भी ट्रैफिक जाम लग जाता है, बहुत लंबा लंबा फिर ट्रैफिक जाम लग जाता है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी तक पीछे कोई आया नहीं है, तो सब लोग घूम के आ रहे होंगे और अपने को बीच में से जगह मिल गई तो अपने निकल गए। बट कोई नहीं, आज की राइड रहने वाले भाई साहब मज़ेदार, क्योंकि बहुत दिनों बाद में नाइट राइड कर रहा हूँ, यूजुअली मैं करता नहीं। और ओहो ये गई R15 GT एंड अभी और भी बाइक्स है अपने साथ, एक डोमिनार है, एक हस्क्वर्ना है, एक निंजा है। और भाई ये R15 तो क्या लग रही है, भाई ने जो लाइट्स लगाई है दैट इज़ अ गुड, भाई ने अभी अभी ली है ऐसा बोला। बाकी लेट्स गो एंड आज की राइड की मजा लेते हैं। सो फाइनली वी गाइज रीच टू द लोकेशन एंड मैं पहली बार यहाँ पे आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं कभी इस साइड आता ही नहीं हूँ, मोस्ट प्रोबली मैं सिंधु भवन साइड तो मोस्ट प्रोबली आता ही नहीं हूँ, बट आज आने का हो गया है। और बच्चे बच्चे भाई ने ब्रेक लगा दी, बट अपन ने भी ब्रेक लगा दी, बाइक अपनी कंट्रोल में रहती है हमेशा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको लगाते हैं कोई सेफ पार्किंग में एंड फिर पीते हैं चाय। भैया थोड़ा बाइक दूर लगाना आपको गाड़ी को, मैं दिवस लूँगा तो उनकी कुछ हो नहीं है। अरे उधर जाना था ना अंदर। तो गाइस सब लोग फाइनली नहीं, मेरे को कंट्रोल पूरा था, मेरे को पता था तू ब्रेक मारेगा। अरे तो ऑफ कोर्स ही बात क्या, आगे कौन जुटे मेरे खड़ा रह गया था, ओ अब्दुल्ला क्या हुआ और कैसी कट मारता है तू, ऐसे कट मारता है। सो गाइस बस हम लोग यहां पे पहुंचे, चाय में पीते हैं एंड निकलेंगे यहां से और बस थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। सो फाइनली अभी टाइम हुआ 11:45 और सब लोग निकल रहे घर के लिए, बस एक छोटी सी चाय पीने के लिए आए थे ट्रैफिक के लिए। बाकी सच बोलूँ तो सर दर्द करने लगा हेलमेट की वजह से, 10 मिनट से पहन के रखा चाय पीने के बाद, सर दर्द उतरना चाहिए उसके बाद और बढ़ गया हेलमेट पहना रखा उसकी वजह से। बट कोई नहीं, निकलते हैं यहाँ से और चलेंगे घर पे, एक छोटा सा SJV का मैं गेड़ी मारने वाला हूँ उसके बाद कर लेंगे। सो गाइज आज का एक्सपीरियंस तो रहा अपना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला एंड सच बोलूँ गाइज तो बहुत दिनों बाद रात को निकला हुआ हूँ तो मज़ा आया। एंड ऐसे अलग अलग ग्रुप्स के साथ मैं अभी भी रिसेंटली मैंने राइड करना चालू किया हूँ, वरना मैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ राइड नहीं करता हूँ, और ये पूरा ग्रुप मेरे लिए नया है। सो थोड़ा टाइम एडजस्ट होने में लग जाएगा, बट उसके बाद अपना अच्छा हो जाएगा, रात राइड करेंगे सबके साथ में। बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। बाकी गाइस आप सभी लोगों को मिलूंगा मैं कैसे ही किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे सेफ, स्टे फिट, सी एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग, साइनिंग ऑफ।